तो एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ चलते हैं, और वो खबर है ये आएगा बजट में। तो आप सब लोग जो अब तक अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि कौन सा है वो नंबर जिसका जिक्र सबसे ज्यादा वित्त मंत्री करेगी, कौन सी है वो थीम जिसके आसपास बनेगा बजट, आइए हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इस वक्त दिल्ली में हमारे साथ जुड़ रही है, बता रही है वो नंबर जिसके आसपास, वो थीम जिसके आसपास आने वाला है ये बजट। देखते हैं ये आएगा बजट में। स्वाति बताइए कौन सा है वो नंबर जिसके आसपास बजट में सबसे ज्यादा अनाउंसमेंट होंगे, कौन सी है वो थीम? देखिए अजय जी, बहुत बढ़िया बिल्डअप हो गया है, बहुत सारे लोग बहुत सारे नंबर्स की बात कर रहे हैं जब से आपने ट्वीट किया है और आपने दर्शकों को कहा है। बट मैं बता दूं, रियली कोई अगर देखे तो ये नंबर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ऐसे सोचे तो मैं बता देती हूँ 75 है वो नंबर जिस पर वित्त मंत्री सबसे ज्यादा बात करेंगी। रियली यहाँ पे नो पॉइंट फॉर गेसिंग, बजट में हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं और यही थीम है इस पूरे के पूरे बजट की। मैं आपको बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग वे में ये बजट बनाया गया है और 75 हाई स्पीड ट्रेन के अनाउंसमेंट होगी, 75 टूरिस्ट रूट पर विस्टा डोम वाली ट्रेन है। विस्टा डोम मतलब आपको सनरूफ जो रहता है, मतलब ट्रेन के ऊपर जो रूफ है वो आर पार ट्रांसपेरेंट है, जैसे गाड़ियों में सनरूफ रहते हैं वैसी मॉडर्न ट्रेन, ऐसी 75 टूरिस्ट रूट पर चलेंगी ये ट्रेन। 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट होंगे, ऑफकोर्स इसमें कुछ नए होंगे, कुछ को अपग्रेड किया जाएगा, और 75 यहाँ आजादी से जुड़े स्थानों के लिए सड़क, रेल और हवाई संपर्क कनेक्टिविटी पर फोकस है। तो ऐसे स्थान डिसाइड किए जाएंगे जहाँ आजादी से जुड़े, मतलब ये पूरी थीम है 75 को देखते हुए। इसके अलावा हम देखें तो 75 पूरी तरह डिजिटल गांव, अभी तक आप देखिए सरकार की फोकस जो रूरल की तरफ है वो यहाँ बढ़ते हुए दिख रही है, डिजिटल गांव 75 यहाँ आइडेंटिफाई किए जाएंगे, उनको पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा, खासकर ईवी कॉरिडोर, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉरिडोर की तरह ये एक एडवांस स्टेज में हम देखेंगे नए नेशनल हाईवेज, यानी जो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इनकम्पास करे, ऐसे हाईवेज अब बनेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को जो सपोर्ट करे, और एक्सप्रेस वे, हाईवे कनेक्टिविटी, ये बहुत बड़ी थीम होगी इस पूरे बजट की, जोड़ना पूरे भारत को, हर रूरल जगह को, मेन पूरे देश में कनेक्टिविटी बढ़े, ये फोकस है। और 75वीं साल जो हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप देखिए इसी पर ये पूरी थीम है। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त कल के बजट की सबसे बड़ी थीम। और इस वर्ष हम स्वतंत्रता का 75वां साल मना रहे हैं जी, 75वां वर्ष है और इसी के आसपास इसमें थीम होगी। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बेहतरीन खबर स्वाति लेकर आई है। 75 हाई स्पीड ट्रेन चालू होंगी, 75 रूट पर विस्टा डोम, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा ट्रेवल करने का भी। हाँ बिल्कुल, ऊपर बारिश वारिश हो रही है ना, जबरदस्त लगेगा, एक्सपीरियंस ही अलग होगा। आप जब ये लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं जिसमें ऊपर वो सनरूफ होता है तो उसके पैसे अलग से लगते हैं भाई। करेक्ट सर। हाँ, तो मतलब जाहिर सी बात है कि वो लग्जरी है, लग्जरी। तो वो ट्रेन शुरू होने वाली है, 75 टूरिस्ट रूट पर ये गाड़ियां चलेगी, 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जाएंगे जिसका फोकस एक्सप्रेस वे, हाईवे पर होगा। इसके अलावा 75 आजादी से जुड़े हुए जो अलग अलग जगह हैं देश में, उन पर कुछ न कुछ बड़ा डेवलपमेंट टूरिस्ट के लिहाज से होगा, और 75 गांव डिजिटल पर फोकस पर पूरी की तरह से डिजिटल किए जाएंगे। तो ये है वो थीम जो इस वक्त की आपके लिए बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर है। ये स्वाति को बोलो ना 75% सैलरी वाले की टैक्सेबल इनकम पे भी टैक्स हटवा दे, 75 में ढंग से बोलो सर, मतलब 75% करवा दे, 75% पे टैक्स लगेगा। हाँ मतलब, हाँ ये बात तो सही है, कुछ ऐसा किया, 75 का थीम चल रहा है सर, कुछ तो फायदा होना चाहिए सर। 75 साल के ऊपर वालों को टैक्स फ्री भी कर दिया जाए। चलिए, लेकिन जो भी हो, आजादी के अमृत महोत्सव पर ये जो थीम है इसके आसपास वित्त मंत्री बजट बनाने वाली है, ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर सीधे नई दिल्ली से आती हुई आपके लिए, इस पर करिएगा फोकस। बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए अपडेट भी। धन्यवाद स्वाति।